नमस्कार दोस्तों दोस्तों यूजीसी नेट जून 2020 की परीक्षा से संबंधित जो है एडमिट कार्ड से संबंधित मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं स्टूडेंट की कि सर इनवैलिड एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ और एडमिट कार्ड इज़ नॉट अवेलेबल का जो है मैसेज आ रहा है। जैसे ही हम पार्टिकुलर्स एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ और सिक्योरिटी पिन डाल रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है, हम जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो काफ़ी सारा जो है पैनिक में है स्टूडेंट और काफ़ी सारे क्वेरी जो है आ रहे हैं, तो उसी के रिगार्डिंग जो मैं है ये वीडियो जो है मैं बना रहा हूं उनका डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो दोस्तों जो है मैं आपको बता दूं जो ये मैसेज आ रहा है कि इनवैलिड एप्लीकेशन नंबर या एडमिट कार्ड अवेलेबल उपलब्ध नहीं है या आपकी गलत आपने डेट ऑफ बर्थ डाली है जबकि आप सब कुछ सही डाल रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं ये रीजन क्या है इसका। मैं आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलता हूं, ये एनटीए की जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पर जो है ये आप देखिए थर्ड नंबर का यूजीसी नेट जून 2020 परीक्षा का जो है वो रिवाइज्ड जो है शेड्यूल्ड जो है मतलब शेड्यूल जो है रिवाइज किया गया है एडमिट कार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, यानी कि जिन परीक्षाओं के जो परीक्षा यूजीसी नेट जून 2020 की परीक्षा जो 29 सितंबर को है, 30 सितंबर को है और 1 अक्टूबर को है, ठीक है, उनका एडमिट कार्ड जो है वो 24 सितंबर 2020 यानी कि आज से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो इन तीन दिनों के जो कैंडिडेट्स हैं मैं आपको दिखा देता हूं, जो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड किया है यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर जो है इन जो एडमिट कार्ड उपलब्ध है वो केवल इन तीन डेट्स के जो अभ्यर्थी है जो 29, 30 और 1 अक्टूबर, तो वही जो है एडमिट कार्ड यहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा 1 अक्टूबर के बाद है, यानी कि 1 अक्टूबर कहने का मतलब है कि 1 अक्टूबर के बाद सीधा 9 अक्टूबर को जो है एग्ज़ाम है, तो 9 अक्टूबर से लेकर और आपका जो नवंबर तक है, नवंबर 13 नवंबर तक जो एडमिट कार्ड है वो अभी अपलोड नहीं किए गए हैं एनटीए के द्वारा, तो आप अभी थोड़ा पेशेंस रखें, आपके एडमिट कार्ड जो है जल्द ही जो है उपलब्ध हो जाएंगे एनटीए की वेबसाइट पर। और एक कैंडिडेट्स का क्वेश्चन था सर हिंदी का जो है एग्ज़ाम कब है, तो आप देख सकते हैं जो हिंदी का एग्ज़ाम है यहाँ पर आप देखिए 13 नवंबर को है, पहले 23 अक्टूबर को था, तो आप भी यहां पर देख सकते हैं आपके भी क्वेश्चंस का जवाब यहां पर मिल गया। अब मैं बता देता हूं कुछ कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि सर मेरा एग्जाम 1 अक्टूबर को है लेकिन फिर भी एडमिट कार्ड जो है मैं डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं, तो मैं आपको बता दूं कि आप थोड़ा वेट करिए, इवनिंग तक जो है आपके एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे, तो आप थोड़ा पेशेंस रखें। और जो है अगर ये समस्या आ रही है तो इन तीन डेट्स के 29 सितंबर वाले, 30 सितंबर वाले और 1 अक्टूबर वाले कैंडिडेट्स ही अभी अपना एडमिट कार्ड यहां पर डाउनलोड कर सकते हैं आज से, मोस्ट प्रोबेबली इवनिंग से या स्टार्ट हो गया हो आप चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज, जिनका एग्जाम 1 अक्टूबर के बाद है यानी कि 9 अक्टूबर से 13 नवंबर तक है, उनका एडमिट कार्ड अभी जो है अपलोड नहीं किया गया, वो जो है बाद में जो है एनटीए की वेबसाइट पर जैसे ही एडमिट कार्ड आ जाएगा मैं आपको जो है अपनी वीडियो के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन जो है दे दूंगा। तो आप परेशान बिल्कुल मत हो, कोई भी डाउट्स है आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, तो आप जो है वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका जो है फ़ायदा मिले। तो चलिए, थैंक यू।